दोस्तों, आई हम आपके लिए और एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। तो दोस्तों, आज हमने के जो हमारे न्यूजीलैंड वाइड जो फीमेल थी, सफेद माँ के रंगीन बच्चे, वो आज हमने देखा रंगीन बच्चों को के वो उनमें से आप बता ही देते हैं वो क्या उन बच्चों के साथ। तो हमने पिंजरे में बच्चे रखे हुए थे और हम तो हमने फीमेल छोड़ दी वो, और बच्चे यहाँ रात को थे, वो चूहे वगैरह थे। हमें मैंने कहा वो बच्चों को खाना दे, इसलिए हमने जहाँ पहले उसने बच्चे दिए थे तो हमने उन बच्चों के अंदर वो यहाँ बच्चे रख दिए थे। तो दोस्तों, हमने दो तीन दिन बाद देखा आज, मैंने कहा सुबह सुबह ऐसे आज निकालते हैं बच्चों को, देखते हैं उनके कितने बड़े बड़े हुए हैं, तो देखते हैं उनकी मम्मा दूध पिलाती है नहीं पिलाती। इसलिए मैंने देखा आज दोस्तों, बहुत खौफनाक आज हमारे पास एक वो वीडियो पेश आई है, हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बच्चा निकाल के दिखाता हूँ। ओए होए, आप अच्छा देखे, ओए ओए, इसके ऊपर पता नहीं कोई ईंट वगैरह गिरी है या पता नहीं क्या कुछ गिरा है, पता नहीं क्या कुछ हुआ है इसको। आप देखिए इसका मुंह, ये बिल्कुल यूं हुआ पड़ा, यूं पता नहीं इसके ऊपर कोई चीज वगैरह गिरी हो तो ये यूं ही हो गया। ये माशाल्लाह काफी बड़ा हो गया था, एक जितने तो इसका वजन भी माशाल्लाह भारी था। लेकिन अब दोस्तों, इसका मुंह वगैरह भी हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है इसको, पता नहीं क्या हो गया हमारे प्यारे न्यूजीलैंड रंगीन रैबिट को। अब चलो हम दूसरे बार बच्चे देखते हैं। सबसे पहले हम इसको नीचे रख देते हैं। तो ले ये दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा आ गया शहजादा। यार देखिए ये कैसा रैबिट है, ये चूहे जैसा लग रहा है, आप पास करके देख सकते हैं। ये हमारा न्यूजीलैंड है, ये मिक्स हो गए हैं माशाल्लाह, कैसे बैठ गए हैं। तो अब हम दूसरे बच्चे निकालते हैं। ये हमारा ब्राउन बच्चा है। तो जब मैंने सुबह दोस्तों ये उठाला, मुझे लगा ये हमारे पास जो एक ही ब्राउन है ना, एक बच्चा ये हो गया ऐसे। तो फिर मैंने गौर से देखा, मैंने कहा चलो ठीक है, ये नहीं हुआ, ये एक ही था हमारे पास ब्राउन। ये चूहे जैसा आप देख सकते हैं, ये जैसे हमने आपको पहले भी दिखाया था प्यारा से, इसको हम ऊपर रख देते हैं। उसके बाद हम और बच्चे दिखाते हैं आपको। नहीं जी दोस्तों, इनकी मम्मा इनको दूध पिलाती है डेली, तो पता नहीं इसके ऊपर क्या ईंट वगैरह गिरी है। आप अंदर से देखते हैं, कुछ भी नहीं गिरा हुआ है, लेकिन तो ये पता नहीं क्या हो गया इसको। एक दो तीन चार पाँच छः सात बच्चे हैं ये, एक वो मर गया, ये आठ। बहुत ही प्यारा क्यूट बनी था हमारा, ये छोटा सा बनी था। बाकी माशाल्लाह कितने सेहतमंद है, हेल्दी हैं, वो देखिए वो क्या कर रहा है। तो दोस्तों, इसकी बहुत परेशानी हुई हमें, ये पता नहीं क्या हुआ इसको, मर गया अब। बाकी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कैसे खेल रहे हैं कूद रहे हैं। तो अंदर भी आप देख सकते हैं कोई ऐसी चीज़ नहीं गिरी हुई, जो मैंने सुबह देखा था बिल्कुल अंदर ऐसी था। ये आप देखें, वो कुछ भी नहीं गिरा, इसके अंदर ही था ऐसे ही, ये पड़ा हुआ था बच्चा, पता नहीं कुछ चीज वगैरह गिरी हो, चलो पता चले। इनकी मम्मा भी आई हुई है इधर, वो साइड पे बैठी है वो आगे करके। तो ले इनके दोस्तों बच्चे देख सकते हैं, लेकिन ये बेचारे पता नहीं क्या हुआ है इसको, ये हम जरूर पता लगा लेंगे। इसके ऊपर कोई चीज़ ही गिरी है, यूँ करके गिरी है, तो ये चीखे वगैरह मारी होंगी इसने, देखिए मुँह के साथ वगैरह लग गया, पता नहीं क्या हो गया इसको, आप देख सकते हैं। उठो उठो, ठीक है ना। चलो दोस्तों, मैं बाकी रैबिट को वापस रख देता हूँ। एक दो तीन चार पाँच, और ये हमारा फेवरेट रैबिट। ले आई अभी से देखते हो, ये भी उसी फीमेल ने तो दिए मुझे लग रहा है, लेकिन ये उनमें बच्चों से देखे ऐसा बच्चा निकला है, रंग बिरंगे बच्चे दिए हैं। ये देखिए, ये आम हमारे देसी रैबिट जैसा है, देख सकते हैं प्यारा सा क्यूट है। ये भी उनके इतना ही है, ये भी उनके साथ मिक्स दूध पीता रहता है इसलिए। और इसको हम बातचीत बंद कर देंगे, तो अब हम ले अच्छी तरह ये लगा देते हैं, ताकि इसको ऊपर कुछ ईद वगैरह नहीं, मुझे लगता है इसके ऊपर कोई ईद वगैरह गिरी है, जरूर ये कुछ ना कुछ हुआ है। तो इसके ऊपर हमने कोई टोकरी वगैरह रख देंगे, ताकि वो ज़्यादा नीचे भी ना जाए, ना ज़्यादा ऊपर हो, कहीं रात को बिल्ली वगैरह आई खाई तो अंदर चली गई, हमारे सारे बने इसको खाएंगे। तो आप पता नहीं इसको क्या हुआ दोस्तों, तो मुझे बहुत ही डर है। इसे कान नीचे करो, नीचे नहीं जाते, ऊपर ही रहते हैं, जैसे ही मरा है वैसे का वैसे ही है। देखिए ये ताज़ा ही मरा हो मुझे लग रहा है, ये आजकल क्या देखे, ताज़ा ताज़ा है ये, देख सकते हैं आप, बहुत ही जुल्म हुआ बेचारे पर। तो आप ये देखते हैं दोस्तों, इसकी मम्मा भी आई हुई है नीचे, वो बैठी है, मम्मा वो लड़ रही है उनके साथ। ये देखिए अभी इसने उसको मार के भगाया है, और वो देखिए ये सब बच्चों को मारती है, इसको गुस्सा आ रहा है कि मेरे बच्चे इन्होंने क्यों उठाए वगैरह वगैरह। वही माशाल्लाह हमारे न्यूजीलैंड ये बनी, ये भी बड़ा हो चुके हैं, जब हमने पहले मम्मा वगैरह मंगाई थी वो इसके जितने थी, इसलिए वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं।
उन्होंने भी बच्चे दे दिए हैं, लेकिन अब मोमना बच्चे देने वाली है जल्दी, हमने उसकी भी वीडियो आपको जल्दी भेज देंगे। 9 तारीख को बच्चे दे लिए, आज 8 तारीख है, और वो उसकी मम्मा वो भागी तो वो बहुत ही गुस्से में इस टाइम सब बच्चों को मार रही है। तो दोस्तों बस हमने आपको ये कहना था कि हमारे यहाँ रैबिट में कमी हो चुकी है इस तरह को, उन्होंने लाइफ स्टॉक के फार्म में हमारे न्यूजीलैंड जो मैक्सवेल मांग कर रंगीन बच्चे थे उनमें एक बच्चा हमारी की डेथ हो गई है, वो मर गया है। तो दोस्तों अब हम इसको दफनाएंगे, लेकिन दफनाएंगे तो फिर दोबारा बिल्ली आ जाएगी और निकाल लेगी। कोई भी अगर हमारा रैबिट वगैरह मरता है तो हम इसको रस्सी बाई फेंक देते हैं, कूड़े वाला तो उठा के ले जाते हैं। तो दोस्तों अब इसको रस्सी नहीं फेंक सकते, ये काफ़ी महंगे वाला था रैबिट, चलो कुछ नहीं, अब इसका भी हम कुछ कर लेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आपने हमने जो बताया आपको मालूम मिल गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह।